प्रॉपर्टी होना सभी का सपना है। कोई वो सपना खरीदता है तो कोई बेचता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे घर, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल या लैंड, किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी की सेल पर आपको जो प्रॉफिट बनता है उसे कहते हैं कैपिटल गेन, जिस पर लगता है इनकम टैक्स। यदि आपने प्रॉपर्टी 2 वर्ष से अधिक रखी है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिस पर 20% की दर से इनकम टैक्स लगेगा, और यदि 2 वर्ष से कम रखी है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिस पर वार्षिक आय के हिसाब से इनकम टैक्स लगेगा। अगर आप 50 लाख रुपए से अधिक की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो 1% TDS काट कर विक्रेता को बकाया राशि का भुगतान करें। विक्रेता का पैन अवश्य लें और काटे हुए TDS को फॉर्म 26QB के साथ जमा करें। याद रखें, गलती से भी प्रॉपर्टी बेनामी नाम पर ना लें, ये कानूनी अपराध है। आपके द्वारा ईमानदारी से दिया गया आयकर ही आपके देश को